हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं तो किस प्रकार से निकालना है मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप आ, किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सब तक सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए वीडियो को शुरू करता हूं तो अपने मोबाइल फ़ोन में माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है तो मैं यहां पे देखिए माई जियो ऐप को ओपन कर लिया तो यहां पे देखिए इस प्रकार से माई जियो ऐप ओपन हो गया तो ओपन होने के बाद आपको अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कॉल हिस्ट्री निकालना है कॉल डिटेल निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे मोबाइल पैड्स लिखा हुआ है और साइड में देखिए तीर का निशान लगा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस क्रूपरा जाएगा तो वहाँ पे देखिए ऊपर में स्विच अकाउंट लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है जैस तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिंक अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं तो आपके तो किस प्रकार से लिंक करना है मैंने पहले ही वीडियो बता दिया हूँ तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ से दूसरे का आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं तो किस प्रकार से लिंक करना है मैंने पहले वीडियो बता दिया हूँ तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने नंबर का कॉल हिस्ट्री किस प्रकार से निकाल सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मेनू पे आपको क्लिक करना है जैसे मेनू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपको स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा तो आने के बाद यहाँ पे देखिए आप कितने दिन का इंटरफे कितने दिन का निकालना चाहते हैं स्टेटमेंट तो उसके हिसाब से आपको क्लिक करना है तो यहाँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिन को सेट कर देना है तीस दिन तक एक बार में निकल जाएगा उसके बाद आप मतलब तीस तीस दिन का करके आप निकाल सकते हैं तो मैं केवल सात दिन का ही निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए सात बार सात दिन पे ऐड है अगर आप डेट डाल के निकालना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इस पर कैलेंडर लिखा हुआ है तो डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं केवल सात दिन का निकाल रहा हूँ तो निकालने के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑप्शन तो आप किस चीज़ में निकालना चाहते हैं ईमेल में या डाउनलोड स्टेटमेंट करना चाहते हैं, आप भी में हैं। या व्यू स्टेटमेंट देख या तुरंत मतलब यानी कि व्यू मतलब कि तुरंत स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं या जी मेल पर भेजवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें मैं व्यू वाले ऑप्शन तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ उसके बाद व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल आया गया तो आने के बाद आपको ऊपर में देखिए लिखा हुआ है यूज चार्ज तो आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या चीज़ निकालना है डाटा निकालना है या वॉइस निकालना है जो बात किया गया नंबर है उसको निकालना है या फिर एस को निकालना है तो यहाँ पे मुझे वॉइस को निकालना है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से आप जितना चाहे उतना कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एक बार टैग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इसी प्रकार से रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो आज के लिए इतना ही ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद